देवी प्रपन्नारती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वे श्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य बोलो जगदम्बा माता की जय। सज्जनों परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा से शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिवस का शुभारंभ हुआ और आज माँ ब्रह्मचारिणी का हम लोग पूजन करेंगे, ब्रह्मचारिणी का स्तवन करेंगे। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जो हर प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसके विषय में कहा गया है दधाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलु दधाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। हे देवी ब्रह्मचारिणी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा पवित्र भाव है। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में जो दूसरा रूप है वह ब्रह्मचारिणी माता का है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली, तप में लीन रहने वाली। कहा भी है वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है, प्रकाशमय है, भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडलू विराजमान है। ऐसी माँ भगवती संसार का कल्याण करने वाली है। ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचर्य को बढ़ाने वाली है, योगियों के ध्यान में विराजमान रहने वाली और योगियों के ध्यान को पुष्ट करने वाली है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज्य के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान भोलेनाथ उस समय से इनसे विलग थे, अलग थे, उन्होंने सती के योगाग्नि में दग्ध होने की कथा आपको स्मरण में आएगी और कथा आपको वो स्मरण में आएगी जब हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब भगवान श्री राम जी विलाप कर रहे थे और भगवान भोलेनाथ पार्वती के सती के सहित, भगवान भोलेनाथ सती के सहित कुंभज ऋषि के आश्रम से
कुंभज ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। भगवान की दृष्टि भगवान श्री राम जी पर पड़ी और भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम कर दिया। सती के मन में संदेह हो गया। सती ने कह दिया यह परब्रह्म नहीं हो सकता है। और बात आगे बढ़ी, सती ने माँ सीता का रूप धारण कर लिया। और माँ सीता का जब रूप धारण कर लिया तो भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस रूप में मैं पत्नी का दर्शन नहीं करूँगा। तो सज्जनों, तब से भगवान भोलेनाथ से विलग हुई वह देवी। नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं। यह एक रूप अलग ही पूजा जाता है। दुर्गा सप्तशती, शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्र नवरात्र हो, द्वितीय दिन की पूजा मां ब्रह्मचारिणी की होती है। ये ब्रह्मचर्य की वृद्धि करती है, ये आपके संकल्प को दृढ़ करती है। और देखिए कैसी तपस्या की थी। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत कर दिए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर जीवन का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप का भयंकर कष्ट सहा था। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन में टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक यह निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लग गई। सज्जनों, जब पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तब मां का नाम अपर्णा पड़ा। पर्ण मन पत्ता और अ मन नहीं, जो पत्ते को भी स्वीकार नहीं कर रही है इसलिए उनका नाम अपर्णा हुआ। बोलो अपर्णा मैया की जय। ऐसे ही भगवती के नाम अनेकों हैं, जैसा काम उसी के अनुसार नाम। कई 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी। इतनी भयंकर कठिन तपस्या, वो भी हिमालय की पुत्री, हिमालय अर्थात राजा अस्त्युत्तरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय वदी वगाह्य स्थितो पृथिव्या इव मानदंड। ऐसी राजा की पुत्री तपस्या कर रही है, और ऐसी साधारण तपस्या नहीं, देह का देहाभिमान नष्ट हो गया है, देह की सुध नहीं है। कठिन तपस्या करती हुई उस बेटी को देख कर के माँ ने आवाज लगाई, ऊ माँ, ऊ अर्थात अरे, और माँ अर्थात नहीं, माँ का माँ क्रिया है, वर्ब है, माँ मतलब मत करो, ऊ मतलब कष्टकारक। इतनी भयंकर स्थिति को देख करके मन में दुख आया और उसमें ऊ कहा। ऊ और माँ इन दोनों को एक साथ ऋषियों ने जोड़ करके एक मंत्र बना दिया जो नाम हुआ उमा। बोलो उमा मैया की जय। माँ भगवती को उमा नाम से जाना जाता है। माँ भगवती को
अपर्णा नाम से जाना जाता है। तो ऐसे उमा शब्द प्रचलित हुआ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का, देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा पड़ गया है। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या से, इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। ऐसी पूजा, ऐसा अर्चन, ऐसा वंदन और ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। इस प्रकार की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा, ब्रह्मगिरा ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरूप में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी, ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की, तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारे इस श्रेष्ठ कार्य की सभी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण हो। हे देवी, जो तुम्हें याद करेगा, तुम्हारा वंदन करेगा, अर्चन करेगा, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं। अब तुम उनसे मना मत करना, उनके साथ घर वापस चली जाना। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि की, मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र आता है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन हर प्रकार से कल्याणकारी है। जिसको मन की एकाग्रता न हो पाती हो, जिनका संकल्प पूर्ण नहीं हो पाता हो, जो अपने संकल्प विकल्प में पड़ा रहता हो, जिसकी मन की स्थिति चंचल रहती हो, एक निर्णय लेने में जो सफल न होता हो, एक निर्णय लेने में जो सफल न होता हो, ऐसे व्यक्ति ने दुर्गा, नव दुर्गाओं में, नवरात्रियों में, दूसरी जो नवरात्रि है उस नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। अब पूजन कैसे करें? देखिए, पूजन करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। सामान्य रूप में आप प्रातः काल उठिए, सुंदर स्नान ध्यान करते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र धारण कर लीजिए, शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए, जिससे आप आराम से जमीन पर बैठ सकें। ऐसे सुंदर वस्त्र, सुंदर का अर्थ है कि जिनको पहनकर आप आराम से, जो
ज्यादा आपको बैठने उठने में तकलीफ न दें, ऐसे वस्त्र धारण कर लें और अपने माथे पर लाल तिलक लगाएं। यह जो ज्ञान चक्र है, आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र को एकदम दीप्त रखना चाहिए, इसको पवित्र रखना चाहिए। तो यहाँ लाल टीका लगा लीजिए और बैठ जाइए, एक घी की ज्योति जला लीजिए छोटी सी, और माँ भगवती का सुमिरन करते हुए माँ भगवती का सुंदर श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार क्या करना है, एक फ़ोटो रख लीजिए शॉर्ट तरीका, उसको रख करके साफ कर करके एक चुनरी उड़ा दीजिए और एक दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, जैसा भी आपको मंत्र आता है। हम लोगों से जलवाएंगे तो हम लोग धूप का भी मंत्र बोलेंगे, दीपक का भी मंत्र बोलेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्ग्निरजायत। ओम मा ओम धूरस धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं ज्योष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामसि वनितमगुं शश्नितमं पप्रितमं दुष्टतमं देवहूतमं। धूपं माघ्रापयामि दीपं दर्शयामि। अगर ब्राह्मणों से करवाते हैं तो इस प्रकार ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार के साथ पूजन करते हैं, और यदि आप स्वयं करते हैं तो आनंद पूर्वक एक दीपक जलाइए। हे माता, इस ज्योति को आप प्रकाश को स्वीकार करें, और जैसे इस यह प्रकाश मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ हे माँ, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी आप प्रकाशित कर दीजिए, प्रकाशमान बना दीजिए। सुगंधित धूप जलाइए, धूप जिस प्रकार से हे माँ यह धूप सुगंधी फैला रही है, उसी प्रकार हे माँ मेरे कार्य भी संसार में ऐसे हों कि जैसे धूप को हर कोई पसंद करता है, मेरे कार्यों को व्यक्ति पसंद करे, मेरी वाणी को व्यक्ति पसंद करे। तो ये सब भाव हैं, पुष्प चढ़ाइए और जो भोग लगा सकें, क्योंकि जब देवी सामने आई है, कोई व्यक्ति सामने आया है तो उसको पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, जो भी आप एक स्वागत करेंगे, तो माँ का क्या स्वागत करना है, कोई फल रख दीजिए, पंचमेवा रख दीजिए, ऐसे ही थोड़ा सा कटोरी में रख करके भगवती को श्रद्धापूर्वक अर्पण कीजिए और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए। अगर मंत्र नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, भाव प्रधान है पूजा। भाव से आप माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, हे माँ हम मंत्र ही नहीं, क्रिया ही नहीं, भक्ति ही नहीं, फिर भी अपने आचार्यों से, अपने श्रेष्ठ या अपने एक अच्छी संगत में बैठ करके जो भी हमने जाना है, जो भी हमने सीखा है, माँ हम आपको अर्पित करते हैं, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि निरंतर बनाए रखें। और मन में संकल्प लें कि हम अच्छे कार्य करेंगे, अपने जीवन में अच्छा करेंगे, अपने समाज के लिए अच्छा करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे। तो सज्जनों, यह पूजन की पद्धति आत्मकल्याण भी करती है, समाज का कल्याण भी करती है और विश्व का कल्याण भी करती है। तो यह द्वितीय दिवस में हम लोगों ने ब्रह्मचारिणी माता का पूजन किया, ब्रह्मचारिणी माता के विषय में सुना, इसी प्रकार से हम लोग माँ भगवती का आराधन करें। द्वितीय दिन की यह कथा अभी तक चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि हमारे अभी तक चैनल का भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यहाँ के जो लोग कर्मचारी हैं उनके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद हो, और जहाँ जहाँ इन मंत्रों का उच्चारण आ रहा है, जो भी भक्त इसको श्रद्धापूर्वक सुन रहा है, हे मेरी मैया, उन सभी के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इतना ही कहते हुए जय माता दी।